परिचित नहीं हूँ और ना मुझसे आप लोग परिचित होंगे, लेकिन फिर भी एक ही चीज कहना है, क्योंकि हम लोग जितने भी इस ग्रुप के मेंबर जुड़े हुए हैं वो सभी लोग कहीं कहीं टीटी और सीटी पास हैं, और हमको बस इसमें विशेष रूप से यही कहना है कि उठो, जागो और संघर्ष करो, और तब तक संघर्ष करो जब तक कि हमको सफलता मिल नहीं जाती है। कहने का मतलब आप इस भरोसे मत बैठिए कि चलो हम नहीं जाते हैं, कोई और चल जाएगा मेरे बदले तो काम हो जाएगा, ये सभी का है। ये जरूर आप अगर इंडिविजुअली अगर देखते हैं तो ये अपना स्वार्थ है, लेकिन जब इंडिविजुअली अगर मिलेंगे हम सर, तो फिर एक समूह का निर्माण होगा और जो हमको आगे की ओर ले जाएगा और सफलता दिलाएगा। यहाँ से हम लोग जितने भी मेंबर्स से जुड़े हुए हैं वो सभी को इतना ध्यान रखना है कि जैसे ही पटना के मेंबरों के द्वारा डेट दिया जाएगा, इस डेट में हमको चलना है पटना, तो हर हाल में हमको अपनी संख्या को दिखाना है और अपनी बातों को मनवाना है, और तब तक वापस नहीं आएंगे कि जब तक वो काउंसलिंग का डेट या कैंप का डेट घोषित नहीं करता है, इस बात का प्रण लेकर जाएंगे। और वैसे भी हम लोग अभी बेरोजगार हैं, तो ऐसे भी मरने की स्थिति में है, तो सरकार से बस मुख्य रूप से एक ही बात होगी कि भैया मारो मत, क्यों मारोगे, मारने से अच्छा गोली मार दो, या तो एक तरफ से तुम नियुक्ति देने का अगर जारी करो ऑर्डर, और नहीं तो फिर गोली मारने का ऑर्डर जारी करो, क्योंकि ऐसे भी घर में भी बहुत परेशान है, हमारे माता पिता जो है बहुत अलग नजरों से देखते हैं, है ना, उनको भी लगता है ये बेटा ये 2 साल से हवाबाजी दे रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली हम लोग हवाबाजी नहीं दे रहे हैं, ये सरकार के द्वारा दिया हुआ हवाबाजी है। सरकार कहने का मतलब जो हमारी बिहार सरकार है, जो कहती है, जो आज हम लोग जिस प्रांगण में बैठे हुए हैं, ये कहीं कहीं बहुत फेमस था गांधी इंटर स्कूल छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए भी, लेकिन आज बिहार सरकार इसका उद्देश्य खत्म कर दिया। आपको बिहार सरकार को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसको मतलब है कि हम पोशाक बांट रहे हैं, बांटो, अगर पोशाक बांटने से अगर कोई पढ़ लेता है तो अच्छी बात है, साइकिल बांट रहे हैं, बांटो भाई, मना कोई किया है, साइकिल से छात्राएं और छात्र स्कूल तो आ जाएंगे, लेकिन पढ़ाएगा कौन उनको, शिक्षक। और जब हम जैसे शिक्षक जो टीटी पास है, क्योंकि आपने ही मानक तय किया है, है ना, ये हमने नहीं कहा था कि आप टीटी लीजिए, लेकिन आपने बिहार सरकार या केंद्र के द्वारा ये जारी हुआ एडवाइजरी कि नहीं, एक टेट को लेकर सारे जो क्वालिफिकेशन जो रखते हैं उनको एक दिखाने का मौका मिलेगा, और ये हम समझेंगे कि नहीं उनमें टीचर होने का गुण है, तो गुण है तो हमें गुण है, पास करके बैठे हुए हैं, तो फिर लीजिए ना, फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं आप, 2 सालों से बहाली को खींच रहे हैं, आज करेंगे कल करेंगे, फिर एक चुनाव पार करके आपका, फिर आपका पंचायत चुनाव आने वाला है, थोड़ा सा लंबा खींच रहा होगा, है ना, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहेंगे, पंचायत चुनाव आने वाला है, अगर आप जो अभी जोर नहीं लगाइएगा, इतना तय है कि ये साल भी आप बेकार जाएगा आपका, और स्थिति यही है, सबका यही होगा, मेरा भी वही है, इसके कारण हम कोई बिजनेस भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और ना हम टीचर बन पा रहे हैं, कहने का मतलब दोनों स्थिति से हमारा बेकार है, तो हमको करना क्या है, बस यही करना है कि जो एकजुटता है, क्योंकि घरों में सोने से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़िएगा, सरकार हमारी संख्या को देखेगा, हमारी जब इच्छा शक्ति को देखेगा तो वो भी झुक जाएगा, और ये जो सरकार जो कहती है कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, मेरे विचार से ये लोकतंत्र नहीं है, अगर लोकतंत्र होता तो मधुबनी की जो घटना हुई थी 31 दिसंबर को वो घटना नहीं होती, क्योंकि हम लोगों ने किसी पर कोई मैंने गलत बयानबाजी नहीं किया था, और ना ही हम लोग किसी पर दोषारोपण किया था, हम लोग सिर्फ अपनी बातों को रखने के लिए गए थे डीएम ऑफिस में, लेकिन वहाँ के छात्रों पर वहाँ के डीएम के द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, जो कहीं से भी जायज नहीं है, एक शिक्षक, एक जो सिपाही होता है, एक जो आईएएस होता है, उसको भी एक शिक्षक बनाता है, आज तक आप लोग नहीं सुने होंगे कि आईएएस मिलकर शिक्षक को पैदा करता है, लेकिन एक शिक्षक हजारों आईएएस और आईपीएस को पैदा करते हैं, उनमें योग्यता होता है, वो समाज के निर्माता होते हैं, तो बस वही सोचा जा रहा है, ये ताली और फेसबुक और व्हाट्सएप पर से काम नहीं चलेगा, मुझे न राजनीति करना है न नेता बनना है, लेकिन हाँ शिक्षक बनना है, क्योंकि हम उसकी योग्यता रखते हैं, और ये सरकार को अगर चैलेंज भी अगर स्वीकार करने के लिए अगर कहेगी तो हम सरकार से सामने के लिए डिबेट करने के लिए भी तैयार हैं, चाहे शिक्षा मंत्री भाषण देते हैं ना कि नियोजित शिक्षक हमारा पर बोझ है, तो बोझ आपने बनाया, बोझ हम लोगों ने नहीं बना, पर आपने बोझ बनाया, अब क्यों ऐसी व्यवस्था लागू की है, आप कहते हैं कि उनमें योग्यता नहीं है, तो योग्यता नहीं है तो आप टीटी पर सिर्फ लीजिए, उसके पास के आधार पर आप उसका ज्वाइन कीजिए, अगर आपने क्षमता है तो, आप कहते हैं कि हम वेतन देते हैं तो बाहर है, तो व्यवस्था आपने किया था जब लालू की सरकार थी, तो उस समय स्केल पर बहाल किया गया था शिक्षकों का, न कि आपके साथ नियोजित बहाल किया गया था, तो व्यवस्था आपने दिया, और आप उंगली उठाते हैं ये दिखा कर गट्टा पहन के वगैरह बताते हैं आप अशोक चौधरी जो है कि हम मैंने शिक्षकों के साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और ये गलत कर रहे हैं, पढ़ाते नहीं है, व्यवस्था आप दिए है, दोषी आप है, उनको एक काम के लिए नहीं, आप पोशाक बांटने में लगा दिए, साइकिल बांटने में लगा दिए, मिड डे मील में लगा दिए, वो बच्चों को पढ़ाएगा क्या, खिचड़ी खिलाएगा, ये व्यवस्था आपका दिया हुआ है, व्यवस्था को बदलिएगा तभी हम लोग का विकास होगा, छात्रों का विकास होगा, और हमारा जो बिहार का जो छात्र होगा एक बहुत अच्छे भविष्य की ओर बढ़ेगा, और एक अच्छे समाज, एक अच्छे देश का निर्माण होगा, बस मैं यही कहूँगा।